अब इस खिताब का आखिरी हिस्सा जिसका आपको इंतजार था बयान हो रहा है बड़ी तवज्जो से। सो मैंने इसके ऊपर गौर खोज किया और मैंने अर्ज किया कि हतमी बात तो कोई नहीं बता सकता, मैं क्या, मेरी बसात इल्म क्या, कोई शख्स हतमी और कतई वक्त दिन महीना साल वक्त मुद्दत जमाना नहीं बता सकता, ये सब एक तखमीना है। बयान करना इसलिए जरूरी हो गया है कि जिस रफ्तार से लोगों ने सैयदना इमाम मादी अलैहिस्सलाम को पैदा करना शुरू कर दिया है, ऐसे लगता है उनको कोई आम सा इंसान समझा जा रहा है, आम सा इंसान समझा जा रहा है कि आएंगे और वफात हो जाएगी, मादी आए थे चले गए, ऐसे तो कई लोग दावे करते रहेंगे। तذکرہ इसलिए किया कि पता चले कि हुजूर की उम्मत का आखिरी खलीफा और इमाम जिस पर मेरे मुस्तफा ने फख्र किया वो इमाम मोहम्मद महदी होगा कौन और उसका जमाना क्या होगा। अब उनका जो पीरियड है वो अहदीस नबवी की कसीर तदाद में रिवायात और अहदीस को पढ़कर जो बात समझ में आई है वो अर्ज कर रहा हूं अल्लाह की मदद और आका अलैहिस्सलाम की उस खैरात के सदके और बलबोते पर। सुनन इब्ने माजा से इस बयान को शुरू कर रहा हूं और हदीस मेरी इस बात की बुनियाद भी हदीस नबवी है। सुनन इब्ने माजा किताबुल फितन बाबुल आयात, वो जो आखिरी 10 आयतें वो जो मैंने कयामत की बयान की जिनमें मादी अलैहिस्सलाम का पहला आना, सबसे पहले मादी अलैहिस्सलाम का ज़हूर, फिर दज्जाल का, फिर ईसा अलैहिस्सलाम का, इसी तरह फिर आगे याजूज और माजूज और दाबतुल अर्द और तुलूल शम्स इलन नफातिल सानिया और बास बादल मौत, ये जो 10 अलामतें बयान की आका अलैहिस्सलाम ने कसरत के साथ, हुजूर ने फरमाया क्यामत नहीं आएगी जब तक ये 10 अलामतें पूरी ना हो जाए। अहदीस की किताबें इस फरमान मुस्तफा से भरी पड़ी है, ये 10 अलामतें आखिरी अलामतें हैं, मुत्तसिल पैदर पे आएंगी। उस किताबुल फितन में एक बाब कायम किया है इमाम इब्ने माजा ने, बाबुल आयात, क्या बोलिए, बाबुल आयात, और उसमें आपने 10 आयात बयान की है। ला तकूमु सआत हत्ता तकूना अशरु आयात, जब तक ये 10 निशानियां जाहिर ना हो जाएं कयामत नहीं आएगी। फिर आपने उन तमाम निशानियों को यके बादी के लिए बयान फरमा दिया। उस बाब में सैयदना इमाम महदी अलैहिस्सलाम की के हवाले से भी आगे तस्कर आया है, उसके अंदर हदीस नंबर 4057 किताबुल फितन सुनन इब्ने माजा सियासिता की हदीस 10 निशानियां बयान करके ऊपर की हदीस में 10 निशानियां जो ऐन कयामत की आमद की हैं उन्हें बयान करके, यानी उन निशानियों में तसूकुन नासु इलल महशर, कब्रों से उठकर मैदान हशर की तरफ जाना भी शामिल है, वो आखिरी 10 निशानियां उन्हें बयान करके आगे हजरत अबू कतादा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं और उनसे हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं। अनस बिन मालिक अन अबी कतादा था, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल आयात बाद अल मिअतैन, ये हदीस, निशानियां किसी दूसरी सदी हिजरी में होंगी। अब तवज्जो से सुनते आइए, बादल में अतैन, जब भी आएंगी, सन हिजरी का 200वां साल होगा यानी दूसरी सदी हिजरी होगी, क्या उसके बाद निशानियां शुरू होंगी। अब आज कौन सी सदी हिजरी है,
नहीं, वो हजार साल बादल मिया है, इससे मुराद आगे आता है बादल मिया। जब 200 बताए ना, तो 100 का जिक्र हजार से पहले मुकम्मल हो जाएगा, फिर हजार आ जाएगा, फिर मिया होगा, फिर 9 मिया, फिर हजार का शुमार होगा। तो इस वक्त पहला हजार साल खत्म होकर हिजरी सन की 4 सदियां खत्म हो चुकी और 5वीं सदी शुरू है। समझ गए बात? ये थी सुनन इब्ने माजा। अब मिशकात शरीफ दे रहा हूं। मिशकात शरीफ, इसमें भी उसी तरह किताबुल फितन और बाबु अशरात इस्सा, क्यामत के करीब आ जाने की निशानियां वो बयान की हैं, और उनमें वो फतेह कुस्तुनतुनिया और खुरूज उल मलहमा और दज्जाल और मलाहिम और इमाम महदी अलैहिस्सलाम का निकलना, वो सारी हदीसें और सारी तफसीलें आका अलैहिस्सलाम की इमाम ने बयान की हैं, इमाम तबरेजी ने किताबुल फितन के तहत करके फसल सालिस में। अब बयान करते हैं नबी कतादा त साहिब मिशकात, काल काल रसूलुल्लाह अल आयात बादल में अतैन, ये फिर हदीस आ गई। फरमाते हैं कि ये निशानियां सन हिजरी में दूसरी सदी शुरू होने के बाद होंगी, किसी दूसरी सदी में होंगी। यह हवाला आ चुका। इसके बाद यही रेफरेंस, इसको इमाम हाकिम ने रिवायत किया मुस्तदरक में, और काला हदीसुन सहीहुन, इसी को इमाम जलालुद्दीन सियूती ने अलहावीर अलफतावा में रिवायत किया, और दीगर मुहद्दिसीन तो फिर रिवायत करते ही चले आए हैं। इसी को इमाम नुएम बिन हम्माद, जो इमाम बुखारी के शेख हैं, उन्होंने किताबुल फितन में रिवायत किया। इन तमाम अइमा और मुहद्दिसीन ने मुख्तलिफ रिवायात से बयान किया कि ये 10 आयात किसी बादल अल्फ, किसी हजार साल के बाद, दूसरी सदी हिजरी शुरू होने के बाद जाहिर होंगी। इन तमाम हदीसों को सामने रख लें, पहला उसूल कायम कर लें कि सदी, अब इसका तो कोई इनकार नहीं कर सकता। या इंसानों के अंदाजे बुझ गए, इंसानों के तखमीने जवाब दे गए, इंसानों की अकलें और उनके तफक्कुरात और उनकी कैलकुलेशंस खत्म हो गई, फरमाने मुस्तफा हर एक पर गालिब आ गया, ताजदार कायनात ने तायुन फरमा दिया, और कुतुब सियास सित्ता में और दीगर किताबों में इसकी तफसील वजाहत के साथ आ गई। यह अल मुस्तदरक इमाम हाकिम की मेरे सामने, इसकी हदीस नंबर 8319। अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा अल आयात बादल में अतैन, दूसरी सदी हिजरी जब शुरू होगी तो उसके बाद ये 10 निशानियां जाहिर होंगी। वकाल हाज हदीसुन सहीहुन अला शर्त शैखैन, ये बुखारी और मुस्लिम की शरायत पर हदीस सही है। अब मौजूदा सदी हिजरी की हजार साल खत्म होने के बाद, ये 1425 हिजरी है, ये 1426 हिजरी है। हजार के बाद 4 सदियां हो चुकी, 5वीं सदी शुरू है। क्या? और आका ने फरमाया था ये 10 निशानियां, यानी याजूज माजूज का निकलना, दाबतुल अर्द का निकलना, और दज्जाल का आना, ईसा अलैहिस्सलाम का आना, महदी अलैहिस्सलाम का आना, सूरज का मगरिब से तुलू होना, री का निकलना, सब मोमिनों का वफात पा जाना, जिंदा भी हैं और बता भी रहे, और झटके आने, नफखा आउला और सानिया होना। फरमाया ये 10 निशानियां, हत्ता के कब्रों से जी उठना और मैदान मैशर में आना। फरमाया ये 10 निशानियां जब भी शुरू होंगी, दूसरी सदी हिजरी के शुरू में होंगी, आगाज होगा। अब आज शुरू है 5वीं सदी हिजरी। अगर ये इस हजारवें साल में इमाम महदी अलैहिस्सलाम ने आना होता,
ये जो हजारवां साल चल रहा है हिजरी का, अगर इसमें आना होता